अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। यहाँ मैं किस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ, यहाँ पर मैं कहाँ जा रही हूँ वो मैं आपको आगे चलकर बताऊँगी। यहाँ पर मैंने कपड़े निकाले हैं पहनने के लिए, ये आशु के लिए मैंने कपड़े निकाले पहनने के लिए। ये जीन्स का पैंट लिया था और इस पर टी शर्ट लिया था और इसमें मैचिंग ब्लू अपर है। और ये मेरा सूट है, ये मैंने अपने लिए निकाला है, ब्लैक ट्राउज़र पे है। और जी मैं रेडी हो चुकी हूँ और बस निकल रही हूँ। ये मैं निकल चुकी थी, रास्ते में हूँ मैं। और कहाँ जा रही हूँ, तो जी हाँ अपनी मम्मी के घर जा रही हूँ। तो बच्चियों की छुट्टियाँ हुई थी तो मैंने सोचा चलो थोड़ा घूम कर आते, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए अपनी मम्मी के घर पर नहीं गई थी। तो इसलिए एक्चुअली मेरी भांजी की बर्थडे भी थी, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो आज सिमरा स्कूल से आई और मैं निकल गई रेडी होकर। बस यहाँ पर मैं पहुँच चुकी हूँ और यहाँ पर हो रही है तैयारी। तो जी हाँ, यहाँ पर तैयारी हो रही है बर्थडे के लिए। यहाँ पर बन रहा है वाइट कढ़ाई और कस्टर्ड तैयार हो रहा है यहाँ पर। और उसके अलावा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा गैस का प्रॉब्लम हो रहा है, गैस का मसला है आजकल हर जगह ही है कि गैस चली जा रही है किसी भी टाइम, तो इस वजह से परेशानी हो रही है। तो सिस्टर ने सोचा कि बर्थडे है तो गैस का प्रॉब्लम हुआ तो अगर, तो इसलिए इसने मी के घर पे बनाने के लिए ये दिया था। इसने एक्चुअली मुझे कहा था कि जल्दी आना, फिर वाइट कढ़ाई भी रेडी करना है। तो मैंने मम्मी को बता दिया था कि क्या क्या मसाले डलेंगे, क्या चीज़ें, क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें डलेंगे, तो आप ये सब तैयारी रेडी करके रखिएगा पीस के, और मैं मसाले लगा के लपेट कर रख दीजिए, मैं आकर जो करना होगा कर लूँगी। बट ये लोग कस्टर्ड वगैरह सब तैयार कर चुकी थी और बस कढ़ाई में मसाला लगा के रख दिया था। तो मैं पहुंची, मुझे पहुंचे वक्त पे शाम हो गई। तो बस यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, ये माशाल्लाह से मेरी प्यारी सी भांजी, ये माशाल्लाह बोल दें, अल्लाह पाक के आज इसकी बर्थडे, अल्लाह पाक इसको हयात तंदुरुस्ती दे, अच्छी सेहत वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह ये लोग मेहंदी लगवा रही है, माशाल्लाह मीनू भी तैयार हो रही है, मेहंदी लगवा रही है। बस जी मैं आई और खाना वगैरह खाया और उसके बाद कढ़ाई मैंने चढ़ा दी, अम्मी ने मसाले लपेट कर रखे थे, मैंने कढ़ाई चढ़ा दी। और यहाँ पर मैं अपने लिए चाय बना रही थी शाम की, तो बस चाय की शिद्दत पता है, आदत एक होती है चाय की, तो बस उसके बगैर रहा नहीं जाता है। तो बस यहाँ पर मैं अपनी चाय पी रही हूँ। इसके बाद मैं कढ़ाई भी चेक करती जा रही थी कि किस तरह से मतलब कि टूट ना जाए, क्योंकि चिकन जो बिल्कुल नाजुक होता है। इसमें फिर मैंने क्रीम जब वो एंड पर हो गया तो रेडी हो चुका था, कढ़ाई रेडी हो चुकी थी। जब भूनने का वक्त आया तो उसमें मैंने क्रीम को फेंट कर भी मैंने ऐड किया और बस झटपट चम्मच चलाए और तेल ऊपर आ गया तो चूल्हा बंद कर दिया मैंने और अदरक वगैरह ऊपर से कट करके डाल दिया। यहाँ पर मेरी जो छोटी सिस्टर है इनको बहुत जल्दी हो रही थी कि आप ही आ रही नहीं है तो लेट हो जाएगा, तो कस्टर्ड इसने फटफट करके फ़ौरन से चढ़ा दिया और बना लिया। यहाँ पर शाम का वक्त है, यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी हूँ बर्थडे में जाने के लिए। बस यहाँ पर निकल रहा है और मैं बर्थडे में पहुँच चुकी हूँ। Adapt to both.
night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. फ्रेंड बर्थडे ख़त्म हो चुकी है, बर्थडे पार्टी एंड हो चुकी है। अब मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी के घर। जाते कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोस को लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हाफिज़।